मैंने भी सुना है, अम्मी बता रही थी कि तुम्हें भी कोई सोलंकी फोन करता रहता है। हाँ किरण सोलंकी है, वो मेरी दोस्त है। हाँ ये सेल फोन हिना के पास कब से है और वो इसे कब से इस्तेमाल करेगी? क्यों कुछ गलत हो गया है क्या? देख शारो, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अब तू आहिस्ता आहिस्ता मेल जोल खत्म कर दे अपनी साली के साथ। मैं समीर के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। और अम्मी उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती है। मतलब क्या है आपका? अम्मी ने साफ साफ बता दिया है कि कल तुम्हारा रिश्ता लेके आ रहे हैं लोग, तैयार रहना। मुझे ना तुमसे कुछ गिले करने। ये गिले शिकवे सुबह कर लेना, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे भी नींदे उड़ाना आती है शाहरुख। हाँ आखिर खड़ी क्यों हो गई हो? वो मोना बाजी बता रही थी कि आप गुस्से में हैं। अब तो गुस्सा काफी हद तक खत्म हो चुका है, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि तुमने मोबाइल फोन यूज किया, वो भी बगैर पूछे और छुपाकर। अम्मी, अम्मी मैं आपको बताने वाली थी। जो झूठ बोलते हैं उन पर एतबार नहीं किया जाता, और जिन पर एतबार हो उनसे झूठ बोला नहीं जाता। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे, और ना ही आपके एतबार को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। तुम किसी चीज की कोशिश नहीं करती हो, बल्कि बहुत यकीन के साथ ठेस पहुंचा देती हो। नहीं देखे, जो बच्चे अपने वालदैन से डरते हैं उनसे टूट के मोहब्बत भी तो करते हैं। तुम्हारी इस बात से तो वाकई में इतफाक करती हूँ, तुमने मोहब्बत तो बहुत टूट कर की, लेकिन अपनी मां से नहीं। मैं मुझे माफ कर दे, मुझमें अब और हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश करूं। मैं जानती हूं मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है, आप लोगों को परेशान किया है। मुझे माफ कर दे अम्मी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम्हें माफी जरूर मिलेगी, लेकिन इस शर्त पर कि दोबारा कभी समीर का नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आएगा। अब जाओ जाकर आराम करो, कल लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। सांप भी डस लेने के बाद अपनी राह लिया करता है, हाल अहवाल नहीं पूछा करता। और सुनो लड़के, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। हाथ के जख्म के साथ साथ उसका दिल का जख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भर ही जाएगा। तुम्हें उसके लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दो उसका पीछा, खुदा के लिए रहम करो हम पर। मुझे तो लगता है ना भी कि आपको शाहरुख अंकल की आ लग गई है। उस मनहूस इंसान का भी नाम मत लो, मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्से में तो मैं हूँ, इतना सा मोबाइल तुम लोगों से संभाला नहीं जाता।
अब भुगतो तुम लोग, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। हाँ जाएं, बल्कि अभी चली जाएं। वो बहनें कोई और ही होती हैं, जो अपनी छोटी बहनों के दुख दर्द में काम आती हैं। उनकी नींदें तो क्या, खाना पीना भी वो भूल जाती हैं। वाह हिना, अभी क्या डायलॉग बोले आपने, फुल इमोशनल सीन कर दिया। बस थोड़े से एक्सप्रेशंस लूज थे, वो मैं ठीक कर दूंगी। सना तुम अपनी हद में रहो, हिना के तो सिर्फ एक्सप्रेशंस लूज थे ना, तुम तो मुझे पूरी की पूरी लूज लग रही हो। अम्मी के सामने इतना सा जुमला नहीं बोला गया कि अम्मी का दिल ही पिघल जाता। एक नंबर की नाकाम एक्टर ही है, जिस ड्रामे में होगी ना वो ड्रामा ही फ्लॉप कर देगी। फिलहाल तो आपकी लव स्टोरी फ्लॉप चल रही है। एक तरफा मोहब्बत हमेशा फ्लॉप ही होती है मोना बाजी, एक तरफा नहीं है। अगर एक तरफा होती तो अम्मी ये क्यों कहती कि समीर की कॉल आई थी। इन हालात में किसी का आ जाना या किसी का फोन आ जाना मोहब्बत नहीं, हमदर्दी हुआ करती है। और फिर आपको देखने तो मोहल्ले भर की कितनी औरतें आई थी, यहाँ तक कि रजिया खाला तक आ गई। क्या, रजिया खाला कब आई? अरे आज ही। और हिना आप ही को देख के तो ऐसा मुंह बना रही थी जैसे इनके गम में अभी जान दे देंगी, बहुत प्यार जता रही थी भाई वो। और तुम लोग तो बता रहे थे कि फिरदौस खाला भी आई थी। हाँ आई थी, अब दोबारा नजर आई ना तो हड्डियां तोड़ दूंगी उनकी। कम से कम उनकी ये आदत तो खत्म होगी कि किसी की चीज बिना पूछे नहीं उठाते। मैं समझ गई, यानी कल जो रिश्ते वाले आ रहे हैं वो शाहरुख की अम्मा है। क्या, ये आप कैसे कह सकती हैं? वेरी सिंपल, देखो अम्मी ने किसी नए लड़के का जिक्र भी नहीं किया और इस तरह अचानक रजिया खाला का आना, यकीनन ये शाहरुख की अम्मा ही आ रही है। और हाँ, मेरा वोट शाहरुख के हक में ही होगा। मेरा भी। तो तुम दोनों कर लो ना, अगर इतना ही अच्छा है तो। देखे भाई, मेरे तो वो अंकल लगते हैं, तो ऐसा रिश्ता बन ही नहीं सकता और ना सोचा जा सकता। लेकिन हाँ, मोना बाजी का सोचा जा सकता है। ओ, मेरा मतलब है कि सना, तुम कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रही हो, तमीज से बात करना सीखो। और आप जो फ्री हो होकर शाहरुख अंकल के साथ बाइक पर घूमती रहती हैं उसका कुछ नहीं। सना तुम अपनी बकवास बंद करो। खुदा के लिए सना, प्लीज जस्ट क्लोज दिस चैप्टर एंड थिंक अबाउट मी, प्लीज थिंक अबाउट मी। भाई देखें, मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है कि अब्बू अगर अम्मी को समझाएं तो कुछ बात बन सकती है। अरे हाँ, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बात करूंगी अब्बू से। देखा कितना अच्छा आइडिया दिया मैंने, कितनी इंटेलिजेंट हूँ ना मैं। हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा आप क्या बात करेंगी अब्बू से? मैंने अब्बू से बात कर लिया, उन्होंने कहा है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। साइकिल का हैंडल नहीं है जो अब्बू हैंडल कर लेंगे, अम्मी घोल के पी जाएंगी उन्हें। तुमने खाना खाया? हाँ, मैं तो हामिद के साथ बाहर ही खा के आया हूँ। क्यों, घर में बेटियां खाना सही नहीं बनाती या हमारे साथ खाना खाना पसंद नहीं है? अब आज आपने इतनी देर कैसे कर दी? आ बेटा, कारखाने में एक मजदूर जख्मी हो गया था, उसकी मरहम पट्टी में देर हो गई। मैं फिर वापस आने लगा तो एक दोस्त मिल गया, उसके साथ बैठ गया। खाना गर्म कर दूं आपके लिए? माँ कहाँ है तुम्हारी? अम्मी तो अपने रूम में है, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप अम्मी से खाना खाने के बाद ही मिलिएगा तो अच्छा होगा। क्यों, ये मशवरा क्यों दे रही? अम्मी बहुत गुस्से में है मेरे देर से आने की वजह से। बात तो वैसे यही है लेकिन बहाना कुछ और कर रही हैं। क्या बहाना है? आप प्रॉमिस करें कि आप गुस्सा नहीं होंगे। नहीं नहीं भाई, मैं क्यों गुस्सा करूंगा मुन्नी पे? अम्मी पे नहीं, मैं हमारी बात कर रही हूँ, आप हम पर गुस्सा नहीं होंगे। पहले बताओ बात क्या है। वो आज हिना का सेल फोन अम्मी को मिल गया था।
चलो मैं बात करता हूँ, कोई ना कोई हल निकल आएगा। अबू प्लीज आप खाना वाना खा के जाइए, क्योंकि थोड़ी हिम्मत की जरूरत है अम्मी से बात करने के लिए। खाना मैं बाहर से खा के आया हूँ, और तुम परेशान ना हो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर लूंगा। और हिना से भी कहो परेशान ना हो, मैं गया और आया। कहाँ रह गई हैं मुना बाजी, अभी तक नहीं आई हिना भी। मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके मुना बाजी को देख कर आऊँ। आखिर नीचे क्या खिचड़ी पक रही है? नहीं कोई जरूरत नहीं, बैठी रहो। तुम चली गई तो मुझे डर लगेगा। अब डरने वाली कोई बात नहीं है, मैंने अबू से बात कर लिया, उन्होंने कहा है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। साइकिल का हैंडल नहीं है जो अबू हैंडल कर लेंगे, अम्मी घोल के पी जाएंगी उन्हें। अब ऐसी बात भी नहीं है, अब्बू वालदा मोहतरमा का बहुत एहतराम करते हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है, हर कोई अपनी माँ का एहतराम करता है। यहाँ वालदा मोहतरमा से मुराद हमारी अम्मी है, यानी दिलावर साहब की अहलिया मोहतरमा। अरे आप अपनी बात करें से छोड़ें, इसे तो आदत है फजूल बोलने की। हाँ अभी दो मिनट पहले तक तो मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँ आपको छोड़ के, अब मेरी बातें फजूल हो गई। सना दो मिनट के लिए चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। देखो भाई, मैंने अब्बू को शाहरुख साहब का रिश्ता आने से लेके फोन के चले जाने तक सारी डिटेल्स दे दी हैं। इंशाल्लाह कल तक कुछ अच्छा रिजल्ट निकल आएगा। सुबह तक कौन इंतजार करेगा, मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। क्या मतलब है कौन इंतजार करेगा, हम सब करेंगे इंतजार। दुआ करें दुआ। डोंट वरी, कोई बात नहीं, सब कुछ सही होगा। मुन्नी कुछ परेशान नजर आ रही हो? हाँ बस ऐसे ही, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तुमने खाना खाया? हाँ हाँ, मैं तो हामिद के साथ बाहर ही खा के आया हूँ। क्यों, घर में बेटियां खाना सही नहीं बनाती या हमारे साथ खाना खाना पसंद नहीं है? ओहो, तो इस बात का गुस्सा है हमारी मुन्नी को। तुम हुक्म करो, बाहर खाना नहीं खाऊंगा। एक काम करो, कल तुम अपने हाथ से खाना बनाओ। याद है तुम जब भी कोई अच्छी चीज बनाती थी तो हमारे घर देने आती थी? हाँ याद है, वो घर, वो कच्ची गलियां, वो मोहल्ला, सब याद है। चलो कल इन पुरानी यादों को ताजा करते हैं, बच्चियों को लेके पुराने मोहल्ले चलते हैं। नहीं फिर किसी दिन चलेंगे, कल मैंने कुछ मेहमानों को बुलाया। मेहमान? कैसे मेहमान? हिना का रिश्ता लेकर कुछ लोग आ रहे हैं, तुम भी जल्दी आ जाना, लड़का भी होगा साथ। हिना के रिश्ते वालों को अभी मत बुलाओ, मेरा ख्याल है कि तुम क्या चाहते हो, लड़कियां क्या चाहती हैं, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। ये माहीगिरी छोड़ो और निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा माहीगिरी तो कब की छोड़ दी, एक कश्ती का इंजन खराब हो गया और दूसरी लांच डूब गई। बाबा अब हम सोचता है कि फुल टाइम दादागिरी करूंगा। वाह मुन्नी बेगम वाह, छोटी छोटी बातों में बेटियों का आराम अजीज है, और सारी जिंदगी की बेआरामी का सामान पैदा कर रही हो। अम्मी क्या सलमा आज भी छत पर वर्जिश कर रही है? अरे नहीं नहीं, वो तो अपने कमरे में पड़ी भी सो रही है, रात भर जागती रही है। रात भर तो मैं भी जागता रहा मगर मैं जल्दी उठ गया। तुम क्यों रात भर जागते रहे? अब ऐसे अम्मी नींद नहीं आ रही थी। अब तुम हिना के चक्कर में रात भर जागना छोड़ दो ना, तुम चाय पियो
मैं तुम्हारे लिए आमलेट बनाकर लाती हूँ। ये क्या बदतमीजी? कौन सी बदतमीजी? बात करने की या चाय पीने की? इस तरह किसी के घर में घुस जाने की बदतमीजी। आप अंदर कैसे है? बाबा जिस तरह पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, पानी में कश्ती अपना रास्ता बनाती है, इसी तरह कश्ती चलाने वाले को रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको तमाम रास्ते मालूम होते। ये माहीगिरी छोड़ो और निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा माहीगिरी तो कब की छोड़ दी, एक कश्ती का इंजन खराब हो गया और दूसरी लांच डूब गई। बाबा अब हम सोचता है कि फुल टाइम दादागिरी करूंगा। मुबारक हो, तुम्हारे घर पोता पैदा हुआ है। अरे बाबा पोता के इस बात का, अभी तो हमारा शादी भी नहीं हुआ, अब सलमा से शादी करूंगा। अच्छा, तुम्हारे पास कोई कश्ती या लांच बची है? हाँ हाँ, चप्पू वाली कश्ती बाकी है। तो ठीक है फिर, उस चप्पू वाली कश्ती में बैठकर बीच समंदर जाओ और कूद जाओ पानी में, क्योंकि अभी जानवर पानी में ही अच्छे लगते हैं, बल्कि ज्यादा गहराई में तो और भी अच्छे लगते हैं। अरे ओ खगा मछले, मुझे समंदर की गहराई मत दिखाओ, सारी जिंदगी पानी में गुजरी है मेरी। अभी मैं ससुराल में ना बैठा होता ना, तो अभी एक मिनट में तेरे को सीधा कर देता। मेरे घर में बैठ के मुझसे ही बदतमीजी? अरे अरे अरे, अरे बुरी बात है बेटा, बुजुर्ग आदमी पे हाथ नहीं उठाते। अच्छा वो अम्मी आप आ गई, वरना इसको तो मैं अभी ऊपर भेज देता। अच्छा बस जरा सा अपनी उम्र का ख्याल कर लो। अम्मी एक मेरी बात सुने, अगर ये आदमी मुझे दोबारा इस घर में नजर आया तो मैं इसको मार दूंगा। अम्मी मैं बता रहा हूँ आपको, इस झींगे की औलाद को लेके जाएंगे यहाँ से। अच्छा नाश्ता तो कर ले, करवाए इस अपने प्यारे को। ये तो आपने रोक लिया, वरना तो अभी तो मैं इसका। अरे बस चुप कर, रोक लिया, हमारे घर में आके बदमाशी करता है, मैं नहीं आती तो तेरा बिटिया पाछा हो जाता, तुझे पहुंचा देता वो ऊपर। आ जाओ रावी। नाश्ता किया तुमने? नहीं। चलो अच्छा ही है, मैं ये सोच के आई थी कि हम संडे ब्रंच साथ में करेंगे। नहीं नहीं, मेरा बाहर जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं है। दिल को अपने काबू में रखो, वरना पता है क्या होता है? बताइए क्या होता है? जब दो दिल मिल जाते हैं तो दलदल बन जाता है और फिर इंसान का ऊपर आना मुश्किल हो जाता है। वैसे अच्छा हुआ कुदरत ने तुम्हें खुद ही संभलने का मौका दे दिया। कैसा मौका? तुम्हें कल भी यही समझाया था कि हिना शादी के बाद भी तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करती रहेगी, तुम इसी बात को लेकर खामोशी से एक तरफ हो जाओ। सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन आजकल मेरा दिल मेरी सुनता ही कहाँ है। रात में मैंने हिना को कॉल की थी, उसकी अम्मी ने कॉल रिसीव कर ली। फिर क्या बात हुई? कहती है कि हिना की जिंदगी से मैं कहीं बहुत दूर चला जाऊं, जहां मेरा साया भी उस पे ना पड़ सके। देखा, वो औरत भी तुम्हारा ही भला चाहती है, वरना ये मिडिल क्लास घर की माए इमोशनल टाइप होती है, कब्र तक पीछा नहीं छोड़ती। रावी प्लीज यार, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ, तुम मुझे मजीद टॉर्चर मत करो। अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता बनाकर दूंगी। क्या याद रखोगे तुम भी, मेम साहिबा तुम्हारी चाकरी करेंगी। तो मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा अब बताओ, किचन में कुछ है या मेरी ऑफर ऐसे ही जाया हो जाएगी? नहीं नहीं, तुम्हारी ऑफर जाया नहीं जाएगी, पड़ा है किचन में कुछ बनाने के लिए, बना लो। ओके बॉस, और कोई हुक्म? नहीं। दिलावर चलो उठो, नाश्ता कर लो, मैंने नाश्ता बना लिया है। कोई खास वजह? सुबह होना ही नाश्ता करने की एक खास वजह होती है। नहीं नहीं, खास वजह से मेरी मुराद थी कि वैसे तो छोटी बना दी है ना नाश्ता। हाँ, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ, ताकि बच्चियों को थोड़ा सा आराम मिल जाए। वाह मुन्नी बेगम वाह, छोटी छोटी बातों में बेटियों का आराम अजीज है, और सारी जिंदगी की बेआरामी का सामान पैदा कर रही हो। अगर तुम्हारा इशारा हिना की तरफ है तो मैं ये बता दूं कि कोई भी माँ अपनी बच्चियों का बुरा नहीं चाहती।
अच्छा इस बात की क्या गारंटी है कि जहाँ तुम उसकी शादी कर रही हो वहाँ वो खुश रहेगी? तो इसकी क्या गारंटी है कि जहाँ वो शादी करना चाहती है वहाँ वो खुश रहेगी? नहीं नहीं, गारंटी तो कोई नहीं है, लेकिन एक बात है कि इंसान का जहाँ दिल लगा हो वहाँ वो निभा कर ही लेता है। खुशहाल जिंदगी गुजारने में और निभा करने में बहुत फर्क होता है। हिना को अपना आइडियल चाहिए था ना, तो लड़का खूबसूरत है, दौलतमंद है, अब और किस चीज की जरूरत है उसे? घर तुम्हारा है, बेटी तुम्हारी है, फैसला तुम्हारा है, लेकिन वक्त तुम्हारा नहीं है मुन्नी। क्यों? वक्त मेरा क्यों नहीं है? इसलिए कि हिना ने किसी को पाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, उसे संभलने के लिए 2-4 महीने ठहर जाती तो ज्यादा बेहतर होता। तुम्हारी अपनी जाती औलाद नहीं है ना, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो। मैं अपनी बेटियों का बुरा नहीं चाहूंगी, पर हाँ, वक्त और फैसला अभी भी दोनों मेरे हाथ में है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मनहूस आदमी मुझे दोबारा यहाँ नजर नहीं आए। अरे तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। हिना को देखने के लिए आ रहे ना लड़के वाले। अब्बू ने कुछ नहीं कहा। अम्मी अब्बू को सुनाती रही और अब्बू चुप करके सुनते रहे। मुन्नी के घर आज मेरी खाने की दावत है। हिना भी राजी है इस रिश्ते पे? ऐसे क्यों नहीं राजी होगी, लड़के के पास 6-7 नए मॉडल की गाड़ियां है। मैं हिना से शादी कर लूंगा। मैंने भी सुना है, अम्मी बता रही थी कि तुम्हें भी कोई सोलंकी फोन करता रहता है। हाँ, किरण सोलंकी है, वो मेरी दोस्त है। हाँ, ये सेल फोन हिना के पास कब से है और वो इसे कब से इस्तेमाल कर रही है? क्यों, कुछ गलत हो गया है क्या? देख शारो, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अब तू आहिस्ता आहिस्ता मेलजोल खत्म कर दे अपनी साली के साथ। मैं समीर के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। और अम्मी उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती है। मतलब क्या है आपका? अम्मी ने साफ साफ बता दिया कि कल तुम्हारा रिश्ता लेके आ रहे हैं लोग, तैयार रहना। मुझे ना तुमसे कुछ गिले करने। ये गिले शिकवे सुबह कर लेना, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे भी नींदें उड़ाना आती है शाहरुख। हाँ, आखिर खड़ी क्यों हो गई हो? वो मोना बाजी बता रही थी कि आप गुस्से में हैं। अब तो गुस्सा काफी हद तक खत्म हो चुका है, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि तुमने मोबाइल फोन यूज किया, वो भी बगैर पूछे। और सुनो लड़के, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। हाथ के जख्म के साथ साथ उसके दिल का जख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भर ही जाएगा।
तुम्हें उसके लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ो उसका पीछा, खुदा के लिए रहम करो हम पर। मुझे तो लगता है ना भी कि आपको शाहरुख अंकल की आ लग गई है। उस मनहूस इंसान का भी नाम मत लो, मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्से में तो मैं हूँ, इतना सा मोबाइल तुम लोगों से संभाला नहीं जाता। अब भुगतो तुम लोग, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। हाँ जाएं, बल्कि अभी चली जाएं। वो बहनें कोई और ही होती हैं जो अपनी छोटी बहनों के दुख दर्द में काम आती हैं। उनकी नींदें तो क्या, खाना पीना भी वो भूल जाती हैं। वाह हिना अभी, क्या डायलॉग बोले आपने, फुल इमोशनल सीन कर दिया। बस थोड़े से एक्सप्रेशंस लूज थे, वो मैं ठीक कर दूंगी। सना तुम अपनी हद में रहो, हिना के तो सिर्फ एक्सप्रेशंस लूज थे ना, तुम तो मुझे पूरी की पूरी लूज लग रही हो। अम्मी के सामने इतना सा जुमला नहीं बोला गया क्या, अम्मी का दिल ही पिघल जाता। एक नंबर की नाकाम एक्टर ही है, जिस ड्रामे में होगी ना वो ड्रामा ही फ्लॉप कर देगी। फिलहाल तो आपकी लव स्टोरी फ्लॉप चल रही है। एक तरफा मोहब्बत हमेशा फ्लॉप ही होती है। मोना बाजी, एक तरफा नहीं है। अगर एक तरफा होती तो अम्मी ये क्यों कहती कि समीर की कॉल आई थी। इन हालात में किसी का आ जाना या किसी का फोन आ जाना मोहब्बत नहीं, हमदर्दी हुआ करती है। और फिर आपको देखने तो मोहल्ले भर की कितनी औरतें आई थी, यहाँ तक के रजिया खाला तक आ गई। छुपा कर अम्मी, अम्मी मैं आपको बताने वाली थी। जो झूठ बोलते हैं उन पर एतबार नहीं किया जाता, और जिन पर एतबार हो उनसे झूठ बोला नहीं जाता। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे, और ना ही आपके एतबार को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। तुम किसी चीज की कोशिश नहीं करती हो, बल्कि बहुत यकीन के साथ ठेस पहुंचा देती हो। नहीं देखे, जो बच्चे अपने वालदैन से डरते हैं उनसे टूट के मोहब्बत भी तो करते हैं। तुम्हारी इस बात से तो वाकई में इत्तफाक करती हूँ, तुमने मोहब्बत तो बहुत टूट कर की, लेकिन अपनी माँ से नहीं। मैं मुझे माफ कर दे, मुझमें अब और हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश करूं। मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है, आप लोगों को परेशान किया है, मुझे माफ कर दे अम्मी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम्हें माफी जरूर मिलेगी, लेकिन इस शर्त पर कि दोबारा कभी समीर का नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आएगा। अब जाओ जाकर आराम करो, कल लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। डस लेने के बाद अपनी राह लिया करता है, हाल अहवाल नहीं पूछा करता। क्या रजिया खाला कब आई? अरे आज ही, और हिना आप ही को देख के तो ऐसा मुंह बना रही थी जैसे इनके गम में अभी जान दे देंगी। बहुत प्यार जता रही थी भाई वो। और तुम लोग तो बता रहे थे कि फिरदौस खाला भी आई थी। हाँ आई थी, अब दोबारा नजर आई ना तो हड्डियां तोड़ दूंगी उनकी। कम से कम उनकी ये आदत तो खत्म होगी कि किसी की चीज बिना पूछे नहीं उठाते। मैं समझ गई, यानी कल जो रिश्ते वाले आ रहे हैं वो शाहरुख की अम्मा है। क्या, ये आप कैसे कह सकती हैं? वेरी सिंपल,
देखो अम्मी ने किसी नए लड़के का जिक्र भी नहीं किया और इस तरह अचानक रजिया खाला का आना, यकीनन ये शाहरुख की अम्मा ही आ रही हैं। और हाँ, मेरा वोट शाहरुख के हक में ही होगा। मेरा भी। तो तुम दोनों कर लो ना, अगर इतना ही अच्छा है तो। देखे भाई, मेरे तो वो अंकल लगते हैं, तो ऐसा रिश्ता बन ही नहीं सकता और ना सोचा जा सकता। लेकिन हाँ, मोना बाजी का सोचा जा सकता है। ओ, मेरा मतलब है कि सना, तुम कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रही हो, तमीज से बात करना सीखो। और आप जो फ्री हो होकर शाहरुख अंकल के साथ बाइक पर घूमती रहती हैं, उसका कुछ नहीं। सना, तुम अपनी बकवास बंद करो। खुदा के लिए सना, प्लीज जस्ट क्लोज दिस चैप्टर एंड थिंक अबाउट मी। प्लीज थिंक अबाउट मी। भाई देखें, मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है कि अब्बू अगर अम्मी को समझाएं तो कुछ बात बन सकती है। अरे हाँ, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बात करूंगी अब्बू से। देखा कितना अच्छा आइडिया दिया मैंने, कितनी इंटेलिजेंट हूँ ना मैं। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, आप क्या बात करेंगी अब्बू से? मैंने अब्बू से बात कर लिया, उन्होंने कहा है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। साइकिल का हैंडल नहीं है जो अब्बू हैंडल कर लेंगे, अम्मी घोल के पी जाएंगी उन्हें। तुमने खाना खाया? हाँ, मैं तो हामिद के साथ बाहर ही खा के आया हूँ। क्यों, घर में बेटियां खाना सही नहीं बनाती या हमारे साथ खाना खाना पसंद नहीं है? आज आपने इतनी देर कैसे कर दी? हाँ बेटा, कारखाने में एक मजदूर जख्मी हो गया था, उसकी मरहम पट्टी में देर हो गई। मैं फिर वापस आने लगा तो एक दोस्त मिल गया, उसके साथ बैठ गया। खाना गर्म कर दूँ आपके लिए? माँ कहाँ है तुम्हारी? अम्मी तो अपने रूम में है, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप अम्मी से खाना खाने के बाद ही मिलिएगा तो अच्छा होगा। क्यों, ये मशवरा क्यों दे रही? अम्मी बहुत गुस्से में है। मेरे देर से आने की वजह से? बात तो वैसे यही है, लेकिन बहाना कुछ और कर रही हैं। क्या बहाना है? आप प्रॉमिस करें कि आप गुस्सा नहीं होंगे। नहीं नहीं भाई, मैं क्यों गुस्सा करूंगा मुन्नी पे? अम्मी पे नहीं, मैं हमारी बात कर रही हूँ, आप हम पर गुस्सा नहीं होंगे। पहले बताओ बात क्या है। वो आज हिना का सेल फोन अम्मी को मिल गया था। चलो मैं बात करता हूँ, कोई ना कोई हल निकल आएगा। अबू प्लीज, आप खाना वाना खा के जाइए, क्योंकि थोड़ी हिम्मत की जरूरत है अम्मी से बात करने के लिए। खाना मैं बाहर से खा के आया हूँ, और तुम परेशान ना हो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर लूंगा। और हिना से भी कहो परेशान ना हो, मैं गया हो रहा। कहाँ रह गई हैं मुना बाजी, अभी तक नहीं आई है ना? अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके मुना बाजी को देख कर आऊँ। आखिर नीचे क्या खिचड़ी पक रही है? नहीं,